कैन मास्टर ऐप डाउनलोड करना होगा। बाय द वे हम लोग कैन मास्टर ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, तो कैन मास्टर ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक बार बैक कर देते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहले ये न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिए। इसके बाद आपको जिस तरह का वीडियो बनाना है, जैसे कि हम लोग अभी क्लिक कर रहे हैं 16.9, तो फर्स्ट वाला में ये देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको एक ठो क्या बोलेंगे मतलब सबसे फर्स्ट एक ठो कलर चेंज करना, कलर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, मतलब बैकग्राउंड बैकग्राउंड किस तरह का रखना है। तो बाय द वे मैं अभी वाइट कलर का सेलेक्ट कर लेता हूँ और बैक कर देना है। इसके बाद इसको थोड़ा लंबा कर देना है, वीडियो जितना लंबा बनाइएगा उतना लंबा करना है इसको। इसके बाद बाय द वे अभी इतना ही बड़ा करता हूँ, बाद में फिर देखेंगे। फिर अगर हम लोग को यहाँ पर वीडियो लगाना है तो वीडियो यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद ये इमेज मीडिया मीडिया पे क्लिक करेंगे। और मीडिया के बाद हम लोग को अगर अभी हम लोग को वीडियो वीडियो यहाँ पर डालना है तो हम लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये वीडियो आपका जहाँ रहेगा वीडियो पर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ वीडियो पर क्लिक किए। और वीडियो पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं ये 57 मिनट ये वाला वीडियो क्लिक कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद बैग आ जाना है। और बैग आने के बाद ये देखिए आ गया, ऐसे आ जाएगा। ऐसे आने के बाद इसको अच्छी तरह से सेव करना है, बड़ी ठीक है सेव करना है। तो सेव करने के लिए करना पड़ता है, ये देखिए ऐसे रहेगा, मल्ली ऐसे रहेगा। तो आपको इसी पर टैप कर देना है और टैप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद नीचे जाना, नीचे जाना, अरे देखिए स्लिप स्क्रीन, स्लिप्ड स्क्रीन। तो स्लिप्ड स्क्रीन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेकेंड नंबर पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद बैग आ जाना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये देखिए आ गया, आ गया हम लोग का वीडियो। देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो हम लोग को इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है इसको भी बढ़ा देते हैं। नहीं तो अगर नहीं बढ़ाएंगे ना तो यहीं तक आएगा हम लोग का वीडियो, यहीं तक समाप्त हो जाएगा। तो इसको भी बढ़ा देंगे, बढ़ा देते हैं, चलिए जहाँ तक है वहाँ तक बढ़ा देते हैं। इसे करके बढ़ाएंगे, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। तो यहाँ से देखिए ऐसे 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 करके यहाँ लास्ट हो गया। तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, अगर हम लोग को कुछ नाम लिखना है, देखिए अगर कुछ हम लोग को गाना डालना है, देखिए सबसे पहले ये नाम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर पे फिर से क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद हम लोग को ये टेक्स्ट वाला करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग लिखेंगे जो जो लिखेंगे, सॉरी दूसरा दब गया, जो जो दबे। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इसका फिर साइज आता है, फिर देखिए है ना, इसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लिए। बड़ा करने के बाद देखिए ठीक है, इसको भी देखिए इसका कलर तो यही मिल जाएगा सब कुछ, है ना। जैसे कि फ्रॉन्ट इसमें फ्रंट में देखिए इस तरह का रहने से, इसको इसमें मत कीजिए, ये आपको मिलेगा नोट्स रिवॉल्ट, ठीक है। इसमें करना है, इसमें करने के बाद क्लिक कर देना है, ये देखिए इस प्रकार होगा। फिर आप कलर पे क्लिक कीजिए, कलर पे क्लिक करने सेलेक्ट कीजिए कलर किस टाइप का। अभी हम लोग रेड कलर का ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हो गया, कलर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए इसका यहाँ आउटिल, फिर इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद देखिए
ऑफ किए ऐसे दिख रहा था, फिर इसमें थोड़ा ये हो जाता है कलर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। फिर इसके बाद इसको कुछ नहीं करना ज़्यादा, फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सो उसका पीछे तरफ दिखेगा, ठीक है, सो करना है ऐसे करके, इसको कम कम ये कर सकते हैं। फिर उसको भी इसके ये ग्लो इसको भी कर लेना है, पीला कलर का डाले हैं इसीलिए पीला कलर आएगा, ग्रीन कलर का डालेंगे कोई ब्लू कलर का तो ब्लू कलर का आ जाएगा। इस टाइप का देखिए पीछे तरफ इस प्रकार से ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, कम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अगर हम लोग लगाएंगे तो नहीं, लगाने से अच्छा नहीं दिखेगा, तो बैकग्राउंड कलर इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाते हैं, फिर देखिए ये इन एनिमेशन पर हम लोग कैसे ओपन होगा, ऐसे करके ओपन होगा अगर फर्स्ट में, तो इसको ही रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बैग आ जाते हैं, क्लिक करके इसको थोड़ा साइड में डाल देते हैं, ठीक है, साइड में डाल दिए। अभी क्लिक करके देखते हैं किस प्रकार का इंटरफेस आता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का है, इस तरह का। तो हम लोग ज़्यादा मतलब ज़्यादा लंबा तक नहीं रखेंगे इसको, तो यहाँ तक ही रखेंगे, इसको यहाँ तक ही रखेंगे। तो इसको यहाँ पर कैंची का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर राइट साइड, तो राइट साइड कट कर देंगे, तो यहाँ जैसे ही ओपन होगा यहाँ से इतना तक ही आएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर देखिए, फिर हम लोग अभी क्या लास्ट में इसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर सेट करना चाहेंगे तो इसको इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, अगर अपना YouTube चैनल वाला कुछ पहले से ही वो एडिट करके रखना है या फिर बाद में, इस तरह का आप फोटो डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं। इसको भी इसी तरह देख लेते हैं किसमें अच्छा हो रहा है। ये देखिए हो गया इस प्रकार का, और फिर यहाँ इसको इसको इतना तक है, तो इसको यहाँ तक कट कर देते हैं, फिर राइट साइड कट कर देते हैं, ठीक है, कट कर दिए। फिर अभी ओपन करके देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। अगर आप कुछ आगे में लगाना चाहते हैं तो यहाँ, फिर आगे में लगाना चाहते हैं तो यहाँ मीडिया में क्लिक करेंगे। अगर आगे में कुछ हम लोग जैसे कि लाइक लाइक जो भी लाइक करें सब्सक्राइब करें वो सब जो लगाना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड करना पड़ेगा।